हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ अजय पायर, आपके लिए फिर आज कुछ नया लेकर आया। गाइज, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हाउ टू अपलोड वीडियो आफ्टर टू गाइडलाइन स्ट्राइक, कि किस प्रकार से हम हमारे चैनल पर अगर टू गाइडलाइन स्ट्राइक मिल जाती है, हमें दो गाइडलाइन स्ट्राइक मिल जाती है, तो उसके बाद किस प्रकार से हम अपलोड वीडियो कर सकते हैं यूट्यूब पर अपने चैनल पर। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहे इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत ज़्यादा सर्च किया होगा यूट्यूब पर कि किस प्रकार से हम हाउ टू अपलोड वीडियो आफ्टर टू गाइडलाइन स्ट्राइक, तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल गई होगी यूट्यूब पर जिनमें ये बताया गया है कि अपने टू गाइडलाइन स्ट्राइक के बाद किस प्रकार से वीडियो अपलोड करें। हालांकि दोस्तों, ये बात सही है कि आप कर सकते हो, लेकिन उस समय के दौरान आपने वीडियो जो प्राइवेट करके रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, उसी को आप पब्लिक कर सकते हो, ना कि न्यू वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो गाइज, ऐसे में आपको कई वीडियो मिल जाएंगे जिन्होंने ये बताया गया है कि किस प्रकार से हम अपनी जो प्राइवेट वीडियो उसको पब्लिक कर सकते हैं। गाइज, ये सब आपको बना रहे हैं मूर्ख, ये तो आपको इतना तो आपको ही पता होगा कि किस प्रकार से हम अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं टू गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में। यदि हमारी वीडियो तो अगर प्राइवेट में तो पब्लिक तो आसानी से हो जाएगी, लेकिन अगर टू गाइडलाइन स्ट्राइक अपने मिल जाती है तो उसको हम न्यू वीडियो अपलोड कैसे करें। लेकिन इसका मैं आपको सिंपल भाषा में एक आसान तरीका बता देता हूँ कि किस प्रकार से अपलोड करना है। इसका आंसर है नो, नहीं कर सकते। अपने को 15 डे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद अपने यू कैन। सो गाइज, उसके बाद आप अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। मूर्ख ना बनिए कि किस प्रकार से हम वीडियो अपलोड करें। सो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। धन्यवाद, मिलते रहे अगली वीडियो में।